हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव होममेकर में आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं क्रिएटिव होममेकर, जो कि मेरे चैनल का नाम है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, ये हैं बहुत ही टेस्टी लड्डू, जो कि ड्राई फ्रूट और आटे के मिक्सचर से बनाए जाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई पंजीरी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मैं इन्हें लड्डू ही बोलती हूँ। ये देखिए, इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट लिए हैं वो मैं बता रही हूँ। यहाँ मैंने किशमिश, काजू और बादाम लिया है, इलायची लिया है, ये है गोंद। गोंद से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची फ्लेवर आता है, तो ये गोंद इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है इस वाले लड्डू में। गोंद से ही सारा अच्छा बनेगा लड्डू आपका। और ये हैं मखाने और ये थोड़ा सा नारियल का पाउडर है, बुरादा जिसे बोलते हैं। तो नारियल बुरादा कई लोग ज़्यादा भी लेते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही लिया है क्योंकि नारियल मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस, और यहाँ पर चीनी लिया है, आप चीनी की जगह पर गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है घी, घर का बना देसी घी ही लेना है आपको। देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह पर आप मक्खन को ला कर के पिघला सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी घी बन जाएगा। तो ये देखिए, घी उतना ही लेना है जितने में आप ड्राई फ्रूट तल पाएँ। तो घी मैंने ले लिया है 250 ग्राम करीब। तो इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे हम, उसके बाद मैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट जो हैं वो तल लूँगी। तो ये देखिए, घी गर्म हो चुका है, अब ये जो ड्राई फ्रूट हैं उन्हें तल लूँगी और इलायची को मैं थोड़ा सा कूट लूँगी, जिससे कि वो थोड़ा सा बारीक हो जाए। इलायची को अलग से कूटना है, इसमें तलना नहीं है। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने इसमें तल लिए हैं और धीमी आंच पर ही इसे तलें, वरना ये जल जाते हैं। तो जो हमारे मनुक्के हैं, मनुक्के मतलब कि किशमिश, वो पूरी फूल जाएंगी। फूलने दीजिए उसे, अच्छी तरह पक जाएंगी वो, उसमें भी घी का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा और बाद में वो फूट जाती हैं, मतलब बैठ जाती हैं। तो इस तरीके से ये तल गए हैं, देखिए हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है इन पर। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, निकालने के बाद में इन्हें ठंडा होने देंगे। इसके बाद मैं इसमें मखाने और बाकी के गोंद वगैरह तलूँगी, इसी घी में सारा हमें बनाना है। और भी घी अलग से ऐड करेंगे हम अभी, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जिनको अगर मिठाई, अभी लॉकडाउन के टाइम पे बाहर का कुछ मीठा नहीं खाना है, तो घर पे ही बहुत अच्छी मिठाई बन करके रेडी हो जाएगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मिठाई को। तो यहाँ पर मखाने को भी मीडियम हीट पर हमें सेक लेना है, तल लेना है अच्छी तरीके से, इन्हें कलर चेंज होने तक तलना है। और तेज़ आंच पर बिल्कुल ना तलें, क्योंकि तेज़ आंच पर तलेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, फिर क्रंच नहीं आएगा इनमें, इसलिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं तल लूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स और इन्हें ठंडा करके हमें पीसना है। तो आप ध्यान रखें कि इन्हें बस मीडियम हीट पर ही तलें। मीडियम हीट पर तलने का ये फ़ायदा होता है कि अंदर से पक जाते हैं अच्छी तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इसमें धुआं उठना स्टार्ट हो गया है और कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक अलग से बर्तन में, उसी बर्तन में निकाल सकते हैं जिसमें आपने बाकी के ड्राई फ्रूट निकाले हैं, और इन्हें हम बारीक बारीक पीसेंगे। तो इन्हें अभी ठंडा होने देते हैं, तब तक हम गोंद को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये है गोंद, और इसे मैंने थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है, बारिश का टाइम है इसलिए थोड़ा सा चिपचिपा सा हो गया है, लेकिन अच्छी तरह टूट नहीं रहा था तो मैंने इसी तरह डाल दिया है। वैसे मैंने इसको क्रंच कर लिया था, जो छोटा वाला कूटने का जो आता है उसमें, ये देखिए अच्छी तरह फूल जाता है ये। तो इसे भी बहुत ही धीमी आंच पर हमें तलना है, और निकाल लिया है मैंने इसे। अब मैंने लिया है गेहूं का आटा, एक कप, एक बड़ा बाउल भर के लिया है। तो उसे मैंने इस घी में डाल दिया है, घी थोड़ा सा और रखूँगी मैं इसमें। तो अभी सेकते जाएंगे हम इसे, इस आटे को बिल्कुल धीमी आंच पर ही सेकना है। धीमी आंच पर सेकोगे तो आपका जो ये आटा है बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी इसमें, और लड्डू भी काफ़ी अच्छे बनेंगे। मिठाई, जो भी आप मिठाई बनाना चाहें तो मिठाई बना लें, लड्डू बनाना चाहें गोल 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 लड्डू बना लें। तो देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा हो रहा है। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है और इसी तरीके से रेगुलर चलाते रहना है, बिल्कुल भी बीच में नहीं रोकना है। रोकोगे तो आप नीचे से आटा जला दोगे, आटा नीचे से जलना नहीं चाहिए। और इस तरह ये सिक गया है, तो अब मैं ड्राई फ्रूट को भी
अच्छी तरह पीस लें, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है हमें। तो इसमें किशमिश भी डाल देंगे, सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे, ठंडी हो चुकी हैं ये सब भी, तो इसको इसमें डाल करके और दरदरा सा पीसना है। थोड़ी सी किशमिश मैंने अलग से बचा ली है गार्निश के लिए। और ये देखिए इलायची अभी मैंने छीली नहीं थी, तो इसी में मैंने इलायची के दाने भी डाल दिए हैं और सारा दरदरा सा पीस लिया है। अब मैंने पीस लिया है इसमें चीनी, चीनी को भी मैं दरदरा कर लूँगी। चीनी की जगह आप गुड़ को भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास गुड़ अवेलेबल नहीं था तो मैंने चीनी ली है। और यहाँ पर देखिए इन सबको एक बर्तन में ले ली हूँ मैं, क्योंकि बड़े बर्तन में ही लेना पड़ेगा। और अब ये जो आटा है बहुत गर्म है, आपको गरम गरम ही इसमें मिक्स करना है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और किसी भी हाथ बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि हाथ भी जल सकता है। ये जो लड्डू हैं गरम गरम ही बनते हैं, तभी ये बंध पाते हैं, मतलब बन पाते हैं गोल 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 गोल, ऐसे नहीं बन पाएंगे। तो अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी, ड्राई फ्रूट को और आटे को, और उसके बाद में मैं इसमें चीनी मिलाऊँगी। तो ये देखिए अब मैं इसमें चीनी मिक्स कर दूंगी। चीनी भी मैंने बिल्कुल बराबर की ही ली थी, आप जैसा खाना चाहें कम ज़्यादा आप वैसी ले लें। मुझे मीठा पसंद है इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, आपको ज़्यादा लग रही होगी इसीलिए, क्योंकि मुझे मीठा पसंद है। और ये देखिए अब ये सब मैं, ये जो करछा है इसी की सहायता से अभी मैं मिक्स करूँगी, हाथ बिल्कुल नहीं लगाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म है ये। और आप भी गरम गरम में ही इन सब चीज़ों को मिक्स करें, क्योंकि चीनी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी तो थोड़ा सा ये मॉइस्ट हो जाएगी। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, ना ही आपको दूध डालना है। आप चाहें तो आपको लगे कि इसमें घी कम पड़ रहा है तो आप एक कटोरी में अलग से घी गरम कर करके रख लें और वो इसमें ऐड करें। तो फ्रेंड्स मेरा तो इसी में हो जाएगा, अभी चीनी इसमें मेल्ट होगी। तो ये देखिए मैं अब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो हाथ से मिक्स कर रही हूँ, और देखिए कितना अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है, घी ऊपर आने लगा है निकल करके, ये देख सकते हैं आप, घी छोड़ने लगा है, मतलब जो ये आटा है। अब मैं इसके लड्डू बना लूँगी, ये देखिए, ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो आपस में बंध जाए। तो एक एक करके मैं लड्डू बनाती जाऊँगी। अब देखिए तो अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी मैं पहले इसे, और इसे अच्छी तरह मिक्स ही करना रहेगा। मिक्स नहीं करोगे तो कहीं कहीं हमको शक्कर के डिल्ले मिल जाएंगे, इसलिए पूरी तरह इसे मिक्स कर लें और उसके बाद ही इसमें लड्डू बनाएं। तो देखिए आप जिस साइज़ के लड्डू बनाना चाहें उस साइज़ के बना लें। तो ये देखिए ये बंधने लगा है, अब मैं इस साइज़ के लड्डू बना लूँगी और एक एक करके लड्डू बनाती जाऊँगी फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे नाखून की जो नेल पेंट है वो बहुत ही गंदी लग रही है, आप इग्नोर कीजिएगा इसे, क्योंकि मैं नेल पेंट बहुत कम लगाती हूँ, लगाती हूँ तो वो एक दो दिन में ही निकल जाती है, क्योंकि घर के काम करने में निकल ही जाती है। तो बस इस तरीके से मैं लड्डू बना लूँगी और 40-45 लड्डू इससे बन करके रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स आप लोग को अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।